सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ स्टोन विलेज जा गया था। गॉडेस लियू ने उसे बताया था कि तुम्हें घूमने के लिए फायर किंगडम जाना चाहिए। शियाओ लियू की बात मानकर रेड बर्ड को अपने साथ फायर किंगडम ले गया, जहां पर उसकी लड़ाई प्रिंसेस कियान के भाई से हो गई थी। उसके बाद शियाओ को अपने दादा और माँ दिखाई दिए थे। उसे लग रहा था कि उसकी माँ का इस जगह से कोई लेना देना है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन सभी लोग हुआंग सिटी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि सभी जल्दी से शियाओ के बारे में पता करना चाहते थे। मगर लोगों के काफी इंतजार करने के बाद भी उन्हें शियाओ के बारे में कोई खबर नहीं मिलती। तभी सभी को एक आवाज सुनाई देती है और उन्हें पता चलता है कि शियाओ सभी के सामने आ गया है, लेकिन सभी लोगों को मिलकर उसे ढूंढना होगा। युनशी भी वहां आती है और वो सोचती है कि क्या शियाओ सच में किसी बड़ी मुसीबत में है। तभी वहां एक आदमी कहता है कि एंसेस्ट्रल लैंड में शियाओ ने मेरे जीनियस लोगों को मार दिया था। आज फायर किंगडम को, मेरे कबीले को इस बात का जवाब देना होगा क्या कि शियाओ ने उन्हें क्यों मारा। वही लिंगर अंदर काफी परेशान होती है और शियाओ को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तभी सैनिक उसे बाहर जाने से रोककर कहता कि प्रिंसेस, किंग कुछ दिनों के लिए अपने पैलेस में नहीं है, इसीलिए आप इस पार्टी में शामिल होने का रिस्क मत लो। तो लिंगर कहती है कि तुम किस बात को लेकर इतना डर रहे हो। मैंने अभी मास्टर वेनरेबल जियो हेंग से ट्रेनिंग ली है, इसीलिए किसी कीमत नहीं होगी मुझ पर हमला करने की। और वो सैनिक से पूछती है कि शियाओ भी अभी तक सामने नहीं आया, क्या तुम इस बात का पता नहीं लगा सके कि मैं उसे ढूंढ रही हूँ। तो सैनिक कहता कि मेरे हिसाब से जिसने कियान के भाई शियाओ पर हमला किया था वो शियाओ नहीं था। तो लिंगर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शियाओ के अलावा किसी और कीमत नहीं है जो शियाओ को डरा सके। तभी नौ सर वाला शेर वहां आता है। ये वही शेर था जिसका एक सर शियाओ ने काट दिया था। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई थी। नौ सर वाला शेर अग्नि सम्राट के घर के बाहर आकर कहता कि मैं अपने भाई के बारे में जानकारी इकट्ठा करने आया हूँ। तुम लोगों ने कहा था कि कल उसका पता बताओगे, इसीलिए जल्दी से मुझे बताओ कि मेरा भाई कहाँ है। और जोर से दहाड़ने लगता है। तभी एक आदमी शेर से कहता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभी के सामने शियाओ को अपना भाई कहने की। अगर तुम उसके भाई हो तो जो गलती शियाओ ने की है उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। शियाओ और रेड बर्ड भी वहीं मौजूद थे और ये सब देख रहे थे। वो आदमी शेर से कहता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर पता चलेगा कि शियाओ और तुम्हारे बीच कितनी गहरी दोस्ती है। तभी वहाँ रेड बर्ड आकर उस आदमी से कहता है कि अगर तुम नौसर वाले शेर पर हमला करना चाहते हो तो पहले मुझसे लड़ो। तो आदमी कहता है कि शियाओ का भाई मेरा दुश्मन है। लिंगर ये सभी बातें सुन रही थी और सोचती है कि ये जो क्रो है शायद वो रेड बर्ड होगा। अगर ये बर्ड यहाँ है तो फिर शियाओ कहाँ है। वहीं शेर बर्ड से पूछता है कि तुम कौन हो, मैंने कभी भी तुम जैसे क्रो के साथ भाई जैसी दोस्ती निभाने का वादा नहीं किया था। तो बर्ड कहता है कि मैं तुम्हारा भाई रेड हूँ। शेर कहता है कि तुम काले कैसे हो गए, क्या किसी ने तुम्हें भून दिया, तुम सच में काफी बेकार लग रहे हो। बर्ड कहता है कि इसमें क्या बेकार है, ये काला रंग बहुत अच्छा है। तभी लिंगर आकर कहती है कि मैं तुम सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि रॉयल पैलेस है ना कि कुश्ती का मैदान, जो कोई भी आकर यहाँ लड़ सकता है। तभी वो आदमी कहता है कि डेजर्ट की फाइट के बाद सभी मारे जाएंगे और इस राज्य को चलाने वाली एक लड़की है। यह सुनकर रेडबर्ड उसे कहता है कि तुम मुझसे लड़ने की कोशिश करो, तुम मानो या ना मानो मैं तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगा। और लिंगर से कहता है कि मैं रेडबर्ड हूँ, जो मुझे चैलेंज करेगा मैं उसे मार दूंगा। लिंगर बर्ड से पूछती है कि शियाओ कहाँ है। तभी उनके ऊपर हमला होता है और सभी की गर्दन को कोई मैजिक रस्सी से पकड़ लेता है। उन सभी पर हमला करने वाला सिया था। सिया कहता है कि दुनिया बहुत छोटी है, इसीलिए क्रो तुम मुझे जल्दी मिल गए। तभी सैनिक आगे बढ़ता है और सिया से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस पर हमला करने की, और उसे मारने के लिए जाता है। सिया अपनी पावर से सभी के गले की रस्सी को टाइट करने लगता है और सैनिक से कहता है कि अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो मैं तुम्हारी प्रिंसेस को मार दूंगा। फायरबुल कबीले के लोग सिया का साथ देने के लिए उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास काफी पावर है। सिया कहता कि मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो शियाओ को मारना चाहते हैं और मुझे पता है कि वो चोर शियाओ हम सभी के बीच में है, इसीलिए मैं उसे बाहर निकलने के लिए कहता हूँ। अगर वो बाहर नहीं आया तो मैं लिंगर और दोनों जानवरों को मार दूंगा। तभी सिया के साथी उसे कहते हैं कि तुम पहले भी शियाओ को नहीं हरा पाए, अच्छा रहेगा कि तुम उसे चैलेंज मत करो। ये सुनकर सिया कहता है कि मैंने एगलेस माउंटेन सीक्रेट मेथड की ट्रेनिंग लेते वक्त काफी मेहनत की और मैं फॉर्मेशन गैदरिंग रियल में प्रोटेक्शनर बन गया, फिर तुम उस शियाओ से क्यों डर रहे हो। और शियाओ से कहता है कि अगर आज तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं इन तीनों को मार दूंगा। तभी शियाओ कहता है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो, मगर वो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी आवाज सुनकर सभी लोग डरने लगते हैं। सिया भी डरता है मगर अपने डर को छिपाकर कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तभी शियाओ सिया के पीछे से आकर जोर से मारता है और सिया से दूर जाकर गिरता है। सिया के साथी उसके पास जाकर पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और शियाओ से लड़ने के लिए मना
कर देते हैं। शियाओ अपने फूड पावर से लिंगर और बाकी के सभी साथियों को रस्सी से छुड़ा लेता है और अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि वो सब शियाओ को देखने ही फायर किंगडम आए थे और खुशी की वजह से जोर से चिल्लाने लगते हैं। शियाओ को असली रूप में देखकर रेड बर्ड भी अपने असली रूप में आ जाता है। शियाओ को जो पहले आदमी मारना चाहता था वो शियाओ की पावर देखकर पीछे हटने लगता है और सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि शियाओ इतना पावरफुल होगा। सिया शियाओ से कहता है कि एगलेस माउंटेन में बहुत सारी प्राचीन विरासत है, इसीलिए जब तक मैं चाहता हूँ तुम फायर किंगडम को छोड़ दो, वरना हम तुम्हें डेजर्ट में भी मार सकते हैं। शियाओ कहता है कि मैं अकेले एगलेस माउंटेन से क्यों डरूं, वहाँ के लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर सिया गुस्सा होकर शियाओ से कहता है कि फिर तो तुम मरने का सोच रहे हो, और उस पर हमला करता है, मगर उसके हमले से शियाओ को कुछ नहीं होता। शियाओ सिया से कहता है कि तुम्हें अभी आकाश की ऊंचाइयों के बारे में पता नहीं है, और उसके दूसरे हमले को भी बड़ी आसानी से रोक लेता है, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि शियाओ काफी स्ट्रांग है, एगलेस माउंटेन का कोई भी आदमी उससे नहीं लड़ सकता। तभी फायरबुल कबीले का लड़का अपने लीडर से कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, जल्दी से शियाओ को मारो। तो लीडर कहता है कि भले शियाओ ने सिया का शोल्डर तोड़ दिया था, लेकिन इससे एगलेस माउंटेन के लोगों को भड़का दिया है, अब इसकी मौत तय है। सिया शियाओ से कहता है कि तुम बहुत ब्रेव हो, तुम एगलेस माउंटेन को भी अपना एनिमी बनाने की पावर रखते हो, लेकिन तुम अब थोड़ा इंतजार करो, मैं फायर किंगडम को खत्म कर दूंगा। तो शियाओ से कहता है कि अगर तुमने किसी को जाकर इस बारे में बताया तो पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और अपनी पावर से सिया पर एक और हमला करता है, जिसे किन शोचेंग जो कि एगलेस माउंटेन के एल्डर है वो रोक लेते हैं, और शियाओ से कहते हैं कि तुम सच में बहुत बहादुर हो। सिया किन से कहता है कि उस लड़के ने मुझे कल हरा दिया था, इसीलिए आप उसे जल्दी से मार दो, ग्रेट पर्सन के वंशज है वो, शियाओ को यूं ही नहीं जाने देंगे। किन फ्लेम कबीले के लोगों से कहता है कि भागना नहीं चाहिए। तो फ्लेम कबीले का लीडर कहता है कि शियाओ पर हमला करने का ये सही तरीका है। तभी दूसरा आदमी जो कि थंडर विंड कबीले का था, वो फ्लेम लीडर से कहता है कि किन शियाओ को मारना चाहता है, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और शियाओ को मारने में उसकी मदद करनी चाहिए, उसे मारना हम सबके लिए फायदेमंद रहेगा। और दोनों किंग के पास जाकर कहते हैं कि हम शियाओ को मारने के लिए तुम्हारे साथ लड़ेंगे। किन कहता है कि ठीक है, दो भाइयों की मदद से आज शियाओ जरूर मरेगा, और अपनी फाइव एलिमेंट रिंग ट्रिक को एक्टिवेट कर उसकी पावर से शियाओ और उसके सभी साथियों को शेड में कैद कर लेता है, और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी इस रिंग ट्रिक से कैसे बचते हो, क्योंकि ये एगलेस माउंटेन का सच्चा खजाना है। ये देखकर कियान के पास खड़ा एल्डर कहता है कि मुझे डर है कि शियाओ अब नहीं बच पाएगा। तो कियान कहती है कि इस खजाने का इस्तेमाल अपनी इच्छा के हिसाब से किया जा सकता है। शियाओ शेड को देखकर समझ जाता है कि ये ट्रिक असली नहीं है, क्योंकि रियल ट्रिक में फोर ट्रू बोन होती है, मगर ये उस टेक्निक की कॉपी है। कियान कहती है कि अगर ये फाइव एलिमेंट रिंग की कॉपी है फिर भी इसमें इतनी पावर है, अगर ये रियल ट्रिक होती तो इसके अंदर और कितनी पावर होती। किन अपने साथियों से कहता है कि हमें ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, इसीलिए जल्दी से शियाओ को मारना होगा, इसके मरने के बाद सभी डेजर्ट के लोगों को इससे छुटकारा मिल जाएगा। तभी तीनों मिलकर अपनी अपनी ट्रिक से शियाओ पर हमला करते हैं। शियाओ खजाने की शील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर वो बाहर नहीं निकल पाता। शियाओ कहता है कि खजाने की कॉपी होकर तुम मुझे बाहर जाने से रोक रही हो, तो तुम्हें अब तीर खाना होगा। शियाओ अपनी पावर की मदद से एक तीर को एक्टिवेट करके शील्ड को तोड़ देता है और अपने साथियों को भी शील्ड से बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर शियाओ को मारने वाला एल्डर कहता है कि मेरे विंड थंडर विंग्स कबीले का खजाना है, शियाओ इसे कैसे तोड़ सकता है। किन भी देखकर चौंक जाता है। शियाओ उसी तीर से विंग कबीले के एल्डर पर हमला करता है, जो उसके पेट को छूता हुआ निकलता है। शियाओ ने एल्डर के ऊपर उसी के खजाने की ट्रिक से हमला किया था। ये देखकर वो एल्डर कहता है कि तुम हम पर हमला करने के लिए हमारे खजाने का यूज कर रहे हो। शियाओ दूसरा हमला फ्लेम कबीले के एल्डर पर करता है, मगर वो तीर को लाश से रोक लेता है। तभी शियाओ उस पर दूसरा हमला करता है, लेकिन एल्डर उसे नहीं रोक पाता। ये देखकर शियाओ से कहता है कि तुम इतने कमजोर हो लेकिन फिर भी मुझे मारना चाहते हो, तुम लोग सच में मासूम हो। किन शियाओ से कहता है कि लड़के इसमें कोई बुराई नहीं है कि तुम पहले सुप्रीम मास्टर हो और इस वजह से पावर में तुम हमसे बड़े हो, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कोई हक नहीं है जिसकी वजह से तुम एगलेस माउंटेन के लोगों को भड़का सकते हो। शियाओ कहता है कि अगर तुम ऐसा लगता है तो मैं सबको हिला दूंगा। ये सुनकर किंग अपने साथियों से शियाओ को मारने के लिए कहता है। सभी मिलकर फाइव एलिमेंट से उस पर हमला करते हैं। शियाओ अपनी विंग पावर को एक्टिवेट करके उनके वार से बचता है और उन पर फिर से हमला करता है। ये देखकर किंग अपने दोनों साथियों से कहता है कि हमें एक साथ मिलकर शियाओ पर हमला करने की जरूरत है। ये सुनकर सभी अपनी पावर को ऑन करते हैं और एक साथ मिलकर शियाओ पर हमला करते हैं। शियाओ किन के हमले को रोकता है। तभी पीछे से दूसरा एल्डर हमला कर देता है, जिसे देखकर सभी को लगता है कि शियाओ मर गया होगा।
होगा, लेकिन फ्लेम कबीले के एल्डर के हमले से भी शियाओ नहीं मरता और गुस्सा होकर अपना 10वां स्वर्गीय पद खोल लेता है और एल्डर से कहता कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी पावर है जो मुझे खरोंच तक नहीं आई। तुम्हारी इस ट्रिक से मैं बोर हो गया हूँ, तुम बस छिपकर हमला कर सकते हो। मैं स्काई बैटल फील्ड में नहीं मरा तो तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे हाथों मारा जाऊंगा। और अपने हेवनली पद को बंद कर स्टोन वेल ट्रिक को एक्टिवेट करता है और साथ ही सोल शॉट को भी बाहर निकालता है। शियाओ अपनी तलवार को ऑर्डर देकर फ्लेम कबीले के एल्डर की जान ले लेता है क्योंकि उसी ने शियाओ पर छिपकर वार किया था। विंड थंडर कबीले के एल्डर की बोतल को फोड़कर उसी की पावर से उस पर हमला करता है। एल्डर उसे रोकने की कोशिश करता है मगर उसे नहीं रोक पाता। बोतल की पावर एल्डर को अपनी तरफ खींचती है और ब्लास्ट हो जाती है जिसमें एल्डर भी मर गया था। यह देखकर किन काफी गुस्सा होता है और वो फिर से शियाओ को मार डालने की धमकी देता है और हवा में उड़कर अपनी फाइव रिंग ट्रिक से फायर हमला करता है जिसे शियाओ सेफ्टी शील्ड की मदद से रोकता है। मगर जब उसे लगता है कि हमले को नहीं रोक पाएगा इसीलिए फिर से अपने 10वें स्वर्गीय पद को एक्टिवेट कर लेता है और किन से कहता है कि इस नकली तकनीकों से तुम जानवरों का शिकार करना, और लियो की लीव से एल्डर पर हमला करता है जिससे एल्डर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। शियाओ उसके पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें ट्रू प्राचीन हेरिटेज देखने दूंगा और फिर से उसी लीव को एक्टिवेट करके एल्डर के पीछे रोक देता है। किन पूछता है कि तुम इससे क्या करने वाले हो तो शियाओ अपनी पावर को बढ़ाकर एल्डर पर हमला करता है। ये देखकर एक आदमी कहता है कि एल्डर काफी हार्ड कल्टीवेशन करते हैं और शियाओ अभी काफी छोटा है लेकिन फिर भी उसके पास इतनी पावर है कि एल्डर किन को भी मार सकता है, ये काफी डेंजर है। तभी रेड बर्ड कहता है कि शियाओ के लिए तुम्हें हराना बहुत आसान है। तो नौसर वाला शेर एल्डर से कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो लेकिन फिर भी तुमने शियाओ को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश की। तभी एल्डर अपने एलिमेंट को फिर से कलेक्ट करके वहाँ से भागने लगता है और शियाओ से कहता है कि तुम ये बात जरूर याद रखना कि एगलेस माउंटेन तुम्हें जरूर मार देगा। तभी शियाओ से रोकने की कोशिश करता है ताकि किन से खजाना ले सके मगर किन वहाँ से भाग जाता है। शियाओ कहता है कि खजाना मेरे हाथ से चला गया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। तभी लिंगर शियाओ के पास आकर कहती है कि तुम किन को भी हरा सकते हो, तुम सच में जीनियस हो। तो रेड बर्ड कहता है कि शियाओ हमें जल्दी से वर्मिलियन मास्टर से मिलना चाहिए। फायरबुल क्लोन के लोग बात करते हैं कि शियाओ फाइव रिंग एलिमेंट की पावर को भी खत्म कर सकता है, ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। यून वही होती है और उसे याद आता है कि उसके एल्डर ने शियाओ के पास से कुछ जरूरी चीजों को लाने के लिए कहा था। यून सोचती है कि क्या शियाओ इस बार मेरी बात को मान लेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।